क्या हवा कह रही है, क्या घटा कह रही है, क्या हवा कह रही है, क्या घटा कह रही है, इस बच्चे को रुमाल दे दो, इसकी नाक बह रही है। दोस्तों, अपने देश में जो घटनाएं घटित होती हैं, जो कुछ होता है, उसका असर हमारी जिंदगी में भी पड़ता है, एकदम गहरा असर। लोग वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है, इनको यकीन नहीं हो रहा है, मैं बता रहा हूं। मान लीजिए घर में बच्चे झगड़ते, शोर मचा रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो मम्मी कहेंगे, ये क्या नेताओं की तेरे शोर शराबा लगा रखा है, अरे अरे अरे, एक दूसरे चप्पलबाजी कर रहे हो, टांग खींच रहे हो, ये क्या लगा रखा है, ये घर है पार्लियामेंट। देश के हालात का असर पति पत्नियों पे भी पड़ता है। पति लेट आया घर में, लेट पहुंचा, वाइफ ने गुस्से से दरवाजा खोला, ये आने का टाइम है, कहां थे, कहां रह गए थे। अरे तुमसे मैं कितनी बार कह चुका हूं कि ऑफिस में ओवर टाइम कर रहा था, फाइल नहीं मिल रही थी, बॉस ने रोक लिया था, वो कह रहे थे ये रिपोर्ट पूरी बनाओ, अर्जेंट भेजनी है, उसी में लेट हो गया। तुम क्या इसमें भी सरकार की तरह जांच कमीशन बिठाओगी? बिठा लो जितने कमीशन बिठाना बिठा लो, नतीजा तो कुछ निकलना है नहीं, कभी तो समझा करो। और जब कोई भक्त संत महात्मा के पैर छुएगा तो बोलेंगे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बच्चा, जा तेरा यश ऐसे बढ़े जैसे देश भर में महंगाई बढ़ी, और तेरे घर से गरीबी यूं रूठ कर चली जाए जैसे दल बदलू नेता रूठ कर किसी और दल में चले जाते। और देश के हालात का असर पड़ोसियों पर कैसे पड़ेगा? अरे क्यों भाई वर्मा जी, भाई आपका बिट्टू ठीक से चलना सीखा या नहीं? नहीं अभी तो नहीं सीखा, अभी तो वो इंडियन रेलवे की तरह है, चलता है, गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, कभी पटरी से उतर जाता है, फिर आ जाता है, कभी कभी तो पूरा लुढ़क ही जाता है। ये तो कुछ नहीं, डॉक्टर लोग रिपोर्ट ऐसे पढ़ेंगे, वेरी बैड यार, इट्स वेरी बैड, आपकी बॉडी में करप्शन हो गया है, ब्लड प्रेशर घोटालों की तरफ बढ़ गया है, किडनी किडनी साहब झूठे आश्वासन दे रही है, और आपका दिल कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। बताइए, और तो और आजकल प्रेमी प्रेमिका ऐसे बात कर रहे हैं, राहुल मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि तुम इतना बार बार नीचे क्यों गिर जाते हो, कहीं तुमने पॉलिटिक्स तो नहीं ज्वाइन कर ली है? नहीं पूजा, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं बार बार इसलिए नीचे गिर जाता हूँ क्योंकि मैं MiG-21 का पायलट बन गया हूँ। रिमिक्स और मिलावट के दौर में आजकल के बाप बेटे कुछ इस तरह से बात करते हैं, आज चलती पीढ़ी तिधर जा रही है यार, इट्स वेरी बैड, क्या हो रहा है इस नई नस्ल, बताइए साहब, अच्छे थासे पुराने दाने उसमें इंग्लिश डाल दें दे, दूसरे वर्ड डाल दें दे, इस तदर दाने से तान तोड़ देते हैं, क्या मिलावट करना बहुत जरूरी है? ओ डैड, आप भी तो गेहूं में कंकड़ और काली मिर्च में पपीते के बीज की मिलावट करते हैं, पर मैंने तो आपके रिमिक्स पे कभी इतराज नहीं किया, फिर आपको हमारे रिमिक्स पे इतराज क्यों है? तो ये हो रहा है आजकल ऑफिस में, बॉस और क्लर्क कुछ इस तरह से बात कर रहे हैं, सर जन्मदिन मुबारक हो, सर सर जन्मदिन मुबारक हो, सर जन्मदिन मुबारक, हाँ वो ठीक है, हाँ मुबारक हो, कुछ अजब ही हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, जो तोहफे मुझे दिए गए हैं सब कटे हुए हैं, मिसेस कपूर ने मुझे टाई दी है वो कटी हुई है, गुप्ता जी ओएस साहब ने उन्होंने कोई तोहफा दिया है वो भी कटा हुआ, गुलदस्ते आए हैं वो कटे हुए हैं, बर्थडे कार्ड आए हैं वो भी कटे हुए हैं, ये क्या मतलब चक्कर क्या है, ये कटे हुए तोहफे कैसे? सर बात ऐसी है सर, सर
आप जो हमें सैलरी देते हैं ना सर, तो आप 5.5% TDS काट कर हमें देते हैं, तो ठीक उसी तरह से हम भी 5% काट के आपको गिफ्ट देंगे। देश के हालात का सर मुझ पे भी काफी पड़ा है। जिस तरह संसद में विपक्षी नेता बात बात में बीच में अचानक वॉकआउट कर जाते हैं, ऐसे मैं भी कभी कभी बात करते करते वॉकआउट कर जाता हूं।